हे गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? तो आज आपसे सीधा मिल रहे हैं हम लोग सरोजिनी नगर मार्केट। दिल्ली का बहुत फेमस मार्केट है, जो लोग नहीं गए हैं अभी तक तो जाके एक बार ज़रूर विज़िट कीजिए। देखिए, सामने रेशान है और वो अपने टॉयज देखने में कितना मस्त है, मतलब सारे रंग बिरंगे कलर दिख रहे हैं ना, तो वही सब वो देख रहा है। तो अभी हम लोग मार्केट आ गए हैं और ये देखिए सरोजनी नगर मार्केट, और हम आए हैं सरोज, और ये सोफे के कवर लेने आई हैं। पूजा पूजा, वो कॉर्नर वाला उठवाओ। अच्छा, मत छुइए। अच्छा, कोई चीज जैसे तो जी, मार्केट आते ही मैं जिस पर्पस के लिए मार्केट आई थी, वैसे तो यहाँ लगभग सभी सामान मिल जाता है, लेकिन मैं यहाँ आई थी सोफ़ा कवर, मेज कवर, ये सब चीज़ें होते हैं टीवी के कवर, फ्रिज के, तो ये सब कवर वगैरह लेने के लिए, चीज़ों को मतलब अच्छे से बचा के रखने के लिए, तो ये सब मैं ख़रीद रही हूँ। तो यहाँ से मैंने किया खूब सारा शॉपिंग, तो वही सब देख रही थी। बीच बीच में मैंने वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ, इतना शोर था। ये देखो, तक्ष भी मस्ती कर रहा है, और मैं यहाँ छोटा मोटा जो घर का सामान होता है ना, वही ले रही थी। और बट यहाँ बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा होती है, मतलब कई बार ऐसा लगता है कि आप ठगे गए हो। तो जिसको अच्छी बार्गेनिंग आती है, वो लोग आके अच्छे से बार्गेनिंग कर सकते हैं सरोजनी नगर में। और कुछ सामान बहुत चीप रेट पे भी, जैसे कपड़े जो है वो मिल जाते हैं यहाँ पे। कवर्स वगैरह लेने के बाद मैं आ गई थी थोड़ा सा कुछ खाने, क्योंकि भूख लग गई थी। वैसे तो घर से खा के आए थे, पोहा खाया था, बट ये एकदम पास में ही है जहाँ पे, और ये बहुत पुराना मतलब शॉप है। मैं जब यहाँ पे शादी से पहले भी आती थी, तो हम लोग, मेरी बहन और मिलके हम लोग यहाँ गोलगप्पे खाते थे यार, ये सब चाट पकोड़े ये सब चलता था। अब तो मैंने देखा है काफ़ी बदल गया है, काफ़ी बहुत सारी शॉप्स यहाँ पे ओपन हो गई है। पहले बहुत, बस सामने एक जो हलवाई है वो ही था, बट अब बहुत सारे ऑप्शन यहाँ हो गए। इधर देख के बात करिए, बॉटल टूट जाएगी, बॉटल टूट जाएगी। आप अपने लिए एक बॉटल भी ले लीजिएगा, आपको स्कूल ले जाने के लिए। तो ये। हाँ, कोई नहीं, एक और बॉटल लेकर रख लीजिएगा, अगर टूट गया ये तो फिर दूसरा काम आएगा। हाँ, इधर आओ बेटा। और ये देखिए, पूरा रश हो रखा है। और ये गई है अपना पाव भाजी बनवाने के लिए। एक टोकन ले लीजिएगा छोले भटूरे का, तो अच्छा वो यहाँ पे देना पड़ेगा। अच्छा, पाव भाजी यहाँ पे। तो ये देखिए, यहाँ पे त्रिशान और त्रिशान के पापा, वो त्रिशान मजे कर रहे हैं, और यहाँ बन रहा है छोले पाव भाजी हम लोगों की।
जाओ चलो 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 नहीं है ये जरा बंद चलो ये सरोजनी नगर भाई मसूरी में बर्फ पड़ी थी वैसे तो ये मार्केट बहुत बड़ी है, यहाँ पे सूट साड़ी टॉप मतलब सब कुछ यहाँ आपको मिल जाएगा। तो और देखिए कितना रश है, और यहाँ आप कभी भी आएंगे तो आपको ऐसे ही रश मिलेगा, तो ये मत सोचिएगा किसी दिन भी आपको हल्का मिलेगा। और कॉलेज गोइंग जो बच्चे हैं उन लोगों के लिए अच्छे कपड़े मिल जाते हैं, स्टाइलिश कपड़े और कम रेंज में। मैं यहाँ आ गई थी कुछ गिफ्ट्स लेने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड को अभी कहीं पे जाना है एक दो जगह, तो वो मतलब पहले ही हम लोगों को पता है, वैसे है तो फरवरी मार्च में, बट मैंने सोचा यहाँ से अच्छा ऑप्शन कहीं और मिल ही नहीं सकता है, तो मैं लेने के लिए आ गई हूँ। और यहाँ देखिए त्रिशान जी, आपने देखा ही वो टॉयज़ देख के ना इतना खुश हो गया था, मतलब भीड़ भाड़ मुझे लग रहा था वो बहुत तंग करेगा मार्केट में, लेकिन वो चुपचाप था, बस बीच में एक बार रोया था जब उसको बहुत भूख लगी थी ज़ोर से इसलिए। तो बस मार्केट में थोड़ा सा क्लिपिंग आपके साथ शेयर किया, अगर आप बोलेंगे तो मैं और भी शेयर कर दूँगी। और अभी हम जाते हैं अपनी बहन के घर, वो यहाँ से पास में ही रहती है, फिर बात करते हैं। मार्केटिंग करके अब हम जा रहे हैं घर की तरफ, देखिए बेटा पिलर बन रहा है, अंकल लोग पिलर बना रहे हैं, वहाँ मौका ही नहीं मिला। सामने सामने देखिए अंकल लोग पिलर बना रहे हैं, पिलर बेटा कोल जो खंबा बनता खंबा, है उसको। अब इस पे मेट्रो चलेगी बेटा उस पे। तो त्रिशान जी सो गए थे, अभी जागे हैं, तो मार्केटिंग हुई आज, फिर सिस्टर के वहाँ गई, उसके बाद अभी जा रही हूँ घर जाएंगे। शाम का टाइम हो गया, शाम हो गई है। हम लोग निकल आए थे, कितने बजे निकले थे कश्यप? हम 5 बजे निकले हैं ना, 5:30 के आसपास निकले। हाँ ऐसे ही निकल गए, ताकि फिर ना अंधेरा भी हो जाता है आजकल, फिर बच्चे छोटे साथ में हैं, तो टाइम पे पहुँचे वो तो वही अच्छा है ज्यादा। सुबह 10 बजे का निकले हम, 11 बजे। हाँ और क्या क्या सामान लेके आई हूँ वो आपको घर जाके ही दिखाएंगे, अभी तो नहीं दिखा पाएंगे। मेरा सामान भी दिखा देंगे। ठीक है दिखा देंगे, आपका सामान भी बताना। हाँ दिखाएंगे सीधा ना, बताएंगे नहीं, ठीक है त्रिशान सीधे दिखाएंगे बताएंगे नहीं, ठीक है मत करो। चलिए मिलते हैं, बहुत ट्रैफिक है, अभी आपको दिखाती हूँ जाम आगे। तो ये हो रहा है, ये एक तरफ क्यों जाम लगा के बैठे सारे लोग? नोएडा वाले हैं ना सब। अच्छा नोएडा की तरफ जाने के लिए। तो जी हम लोग आ गए हैं घर वहां से, और आके बस चेंज वेंज किया है। त्रिशान देखिए उनके लिए बॉल लेके आए, तो बॉल में पीजिए, बॉल से वो खेल रहे हैं अपने, उसके लिए बॉल लेके आए, तो वो अपने बॉल में पैर मार मार के थोड़ा बिजी है। ठीक है वो बिजी है, उसे बिजी रहे बहुत बिजी है। और हम ये सब सामान लेके आए हैं, यहाँ पे रखा हुआ सब नीचे ही छोड़ दिया मैंने ऐसे ही। ये नीचे कैसे गिर गया भाई? तो अभी हटाते हैं ये सब सामान, और साक्ष के पापा बना रहे हैं चाय, मैं जाती हूँ मुँह धो लूँ बस। अभी थोड़ी देर में 5 मिनट हुआ हमें आए हुए, बस साक्ष के कपड़े चेंज हुए, साक्ष के पापा ने चेंज, हम बस चेंज वेंज करके बैठे हैं, बस अब चाय पियेंगे, थोड़ा सा सुस्ताएंगे, फिर आपको अपना सोफा दिखाएंगे। सोफा मैं सोच रही हूँ ना एकदम पूरा सेट बन जाए तभी दिखाऊँ आपको, अभी नहीं है ना, तब ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्या कहते साक्ष के पापा? कल सुबह सेट बन जाएगा है ना, तो कल दिखाएंगे आपको, आज नहीं कल दिखाते हैं, वेट करो ना, कल सोफा दिखाएंगे पूरा, इसी ब्लॉग में मैं तो ऐड कर दूंगी ये वाला। ताक्ष अपने लिए क्या है? एक गन दिखाओ। अर्जुन मैं थोड़ी पकड़ूंगी, खुद पकड़ो तुम भाई, चलो ठीक है। लेकिन ये पीछे नहीं होता मुझसे, तुमसे कुछ नहीं होता, मेरे आंख में मत डालो बेटा। चलिए वो है क्या, मिलते हैं आपसे बाद में।